थर्ड लोकेशन ये है, पूरा ग्राउंड्स है, बट ये जो है ना ये पूरा सजेगा, पूरा बनेगा, लाइक इधर पैनल्स लगेंगे, स्टेज बनेगा और ये पैक हो जाएगा बैंक्वेट की तरह। तो बताओ ये भी बुक्ड है क्या? फोर्थ को इसकी बुक नहीं है क्या? Assalamualaikum, सभी वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। यार दो तीन दिन से क्या हुआ हमारे साथ, हम दूसरे दूसरे कामों में लग गए। हमें वेन्यू देखने जाना था बासिल का बर्थडे का, आज हम पक्का वेन्यू देखने जा रहे हैं। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह। मॉम आप चलेंगी? आप पढ़नी? ओके ओके, सॉरी। अबे फरिये नाश्ता कर रही है? खाना। अबे ओके ओके, तू तो स्कूल से आई होगी अभी। बिल्कुल। क्या खा रही है? हलीम और रोटी। वाह भाई वाह, तेरा भी फेवरेट है। नहीं नहीं, मेरा नाश्ता बन रहा है यार। बाकी बता, चलेगी क्या मेन्यू देखने? नहीं यार, अब जाना। तुझे नहीं जाना? नहीं। चल ठीक है, फरिया भी नहीं जा रही तो मैं, सबा और बासिल शायद जाएं और टमाटर्स को ले जाएंगे। हाँ टमाटर्स को ले जाएंगे गाइस। और टमाटर्स तो आई नहीं। टमाटर्स किधर है? टमाटर्स मुझे क्या बता, वो शायद उस घर में। कहाँ गई है? उस घर में क्या कर रहे हैं? किसी काम से गए हैं। अच्छा भैया भी नहीं है? नहीं आज तो कोई भी नहीं है भैया, हमें जब वेन्यू देखने जाना है। चलो कोई नहीं भाई, जो जो होगा उसी के साथ चले जाएंगे। देखो ये याली याले बड़ा सीन होता हमारे साथ यहाँ, तो फिर सबा और मैं और बासिल ही जाएंगे बस। तो अगर मॉम अभी पढ़ ले, मॉम उसको बताएंगे कि मैं चलती हूँ या नहीं चलती। तो आज हमें लाजमी वेन्यू ढूंढना है, क्योंकि फिर वेन्यू जब हमें मिलेगा तो उसके बाद ही हम सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। लाइक उसके बाद अरेंजमेंट होती है, सबसे पहले इंसान वेन्यू देखता है। तो बस नाश्ता लिया फटाफट से, जल्दी से नाश्ता लिया था, फटाफट से मैं रेडी हूँ, कपड़े शपड़े पहनूँ और फिर चले। तो नाश्ते में भाई केक, अंडा, चाय और ये देखो साइड में क्या पड़ा हुआ है, एक खजूर, दो काजू और दो पिस्ते। तो करते हैं नाश्ता। आ गए हैं भाई, मेरे मुन्ने किधर था भाई, किधर था? नीचे बड़ा जाता है भाई घूमने फिरने यार। अच्छा मैंने भी सोचा कि मैं सोच रहा था इसको लेके जाऊंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वो तुम्हें तंग कर देगा, वेन्यू कहाँ देखने देगा ये। चलो वासिल बेटा आपको घर छोड़ के देंगे, शाबाश। तो भाई नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद आ चुके हमारे पास बनाना शेक और यहाँ पर मैं रेडी होकर बैठा हूँ, सुबह का वेट कर रहा हूँ। सुबह जैसी रेडी होती तो फिर चलते हैं, और सिर्फ सुबह और अब मैं ही जा रहे, बाकी कोई भी घर में नहीं है। और मॉम रेस्ट करेंगे ना यार, बासिल को भी मॉम ने देखना है तो मॉम और बासिल घर में ही होंगे, बाकी सुबह और मैं चलते हैं मेन्यू देखने। अच्छा बना है, इसमें तो ड्राई फ्रूट भी है। गाड़ी 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 गाड़ी, ये खड़ी गाड़ी। अच्छा मुझे तो बताओ आपको किस तरह का वेन्यू चाहिए, लाइक इनसाइड हो, आउटसाइड हो, जो मिल जाए। अच्छा आउटसाइड इनसाइड कोई भी मिल जाए, जो अच्छी लोकेशन हो, लाइक उसके अंदर से उसको अच्छा करना होता है, जैसे कि थीम अगर होगी तो उसकी वजह से अच्छा हो जाएगा वेन्यू। पार्किंग 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 पार्किंग, सुबह हो गई पार्किंग। जो हॉल बुक है क्या करे। पहले हम पीसी में देखने आए, लेकिन पीसी में 4 नवंबर का सब बुक्ड है, तो बासिल का यहाँ से इवेंट कैंसिल। अब चलते हैं वो सामने मूवमेंट पे के, वहाँ चलते हैं। ये है जहाँ से कैंसिल हो जाएगा वो हम आपको बताएंगे, जहाँ सिलेक्ट हो जाएगा वो हम वो नहीं बताएंगे, वो हाँ वो नहीं बताएंगे। चलो 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 चलो। जो वेन्यू काफी मजे का यार, ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक बर्थडे पहले भी हो चुकी थी यहाँ पर, आप थीम दिखा सकते हैं क्या, कैसी बर्थडे हुई थी पहले? काफी ज्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। ओह वाओ, सो इधर पहले भी एक बर्थडे विन हो चुका है, ये देखो कोको मेलन थीम का। वाओ यार, लेकिन हमारी तो कोई और सी थीम है, बेबी बॉस वाली थीम है ना हमारी तो। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अगर आप अपनी थीम कराओगे तो वो चेंज भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर टेबल्स वगैरह आ जाएंगे, बट अभी यहाँ पर कोई और फंक्शन हुआ होगा जिस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो जब हमारे थीम आएगा तो फिर वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, बट स्पेस काफी मजे की है, एम्बियंस वगैरह काफी मजे का है, वॉलपेपर्स लगे हुए बड़े बड़े से। वैसे ये पर्सनल मुझे बताऊं किस चीज के लिए लग रहा है, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है ना। हाँ तो यहाँ पर तकरीबन मीटिंग, होटल वगैरह में तकरीबन मीटिंग्स वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है। काश हम अपने रिसॉर्ट पे करते हो, इतनी प्यारी। लेकिन वहाँ पर कोई आ नहीं सकता ना, इसी बात का अफसोस, कोई आ नहीं सकता, सब कराची में रहते हैं हमारे लोग, तो इसलिए हमें यहाँ पर ही ढूंढना पड़ेगा। चलो भाई बाहर, अरे उधर से खुलेगा। तो भाई दो वेन्यू तो हम लोग, मतलब दो जगह तो हम लोग जा चुके हैं और दोनों जगह हम लोग विजिट कर चुके हैं। एक जगह हमें वेन्यू दिखा दिया गया और एक जगह नहीं दिखाया था, तो अभी भी हम फिलहाल पेंडिंग पर, क्योंकि इनका ये है कि यार ऑलरेडी पहले से बुक्ड है। बट एक सभा ने भी लाइक इवेंट वालों को अरेंज किया है, तो सभा बोल रही है कि यार मैं जरा उनका भी इवेंट देख लूं कि वो लोग किस तरह से हमारे लिए काम कर सकते हैं। पता नहीं इधर सदर भाग रही है भाई, कॉल करते, एक जगह खड़ो के कॉल नहीं कर सकती क्या? मैं भी जब कॉल कर रहा था ना, इधर सदर भाग रहा होता हूँ। वो कह रहे हैं कि आ जाएं आप, चलें 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 चलें, एक जगह और विजिट कर लेते हैं। आपने लास्ट में बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, बासिल वाला, कि बासिल को नहीं लेके जाते। हाँ घूमना पड़ रहा है काफी, देखे ना। अब थर्ड जगह पर चलते हैं, थर्ड लोकेशन ये है, पूरा ग्राउंड्स है, बट ये जो है ना ये पूरा सजेगा, पूरा बनेगा, लाइक इधर पैनल्स लगेंगे, स्टेज बनेगा और ये पैक हो जाएगा बैंक्वेट की तरह। तो बताओ ये भी बुक्ड है क्या? फोर्थ को इसकी बुक नहीं है? फोर्थ को बुक है भाई, आपको तो दिखाया क्यों भाई? दिखा दिया हमने बोला, लेकिन मैम ने अच्छी बात बोली कि भाई शादी
नहीं है, बच्चे की बर्थडे है, उसी दिन डिले कर देते हम लोग, आगे एक दिन शादी होती तो हम खुद डिले करवाते हैं। गाइस वेन्यू जो है ना सारे बुक्ड है, सारे तीन देखे, तीनों के तीन बुक्ड है यार। तीन तो देखकर आ गए अभी, तो कोशिश करते हैं कि एक और देख लेते हैं। चलें क्या? चलते हैं। ये कस्टमाइज होता है सारा, ये कस्टमाइज में आता है, तो ये बेस्ट है या वो जो बना बनाया होटल्स में वो? नहीं ये बेस्ट है, वैसे अब हम चलते हैं, ये तो बुक है ना, आप क्या कर सकते हैं। चलो दूसरा देख लेते हैं। चलो एक जगह पे चलते हैं, वो बता रहे हैं, फिर वहाँ से एक मेरे पास लास्ट जगह है, मैं वहाँ जाऊंगी बस। उसके बाद दो जगह और हैं भी। हाँ बस दो जगह और हैं। चलो यार चले, दो जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ देखो कितने बड़े बड़े प्याज पड़े हैं। ओए 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 इतनी बड़ी बड़ी प्याज। ओए भाई खुआरी हो रही है यार तू, आज ही क्या हो गया? फोर्थ का सब बुक्ड है जब उसकी बर्थडे है। अब ये है कि वेन्यू का कर रहे हैं ना, फिर जब हम मेन्यू पे जाएंगे तो जिनसे हमें बनवाना होगा वो भी बोलेंगे हमारी बुकिंग है, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं नहीं वो खाना तो बना लेते हैं, देखो खाना बना लेते हैं, और हमारा खाना को इतना ज्यादा नहीं हो तो शादी तो नहीं हो रही, तो खाना तो हो जाएगा। खाने की टेंशन नहीं लो, बस सिर्फ वेन्यू की टेंशन लो। लेट्स गो भाई फोर्थ मेन्यू की तरफ। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे जो समझ आ रही है ना वो कस्टमाइज लोकेशन समझ आ रही है, ना कि वो होटल्स वाली, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपको ना आउटसाइड फूड अलाउ है, ना आपको टीम भी हम आपको वेंडर से करा देंगे, और एक्सपेंसिव भी बेइंतहा का है। लेकिन अगर आप कस्टमाइज कराते हो ना तो वो आपको बहुत सही पैसों में मिल जाता है और अच्छा भी मिल जाता है। तो यस कंपैरिजन अगर करूं होटल्स का और इसका तो ये बेस्ट है, लेकिन वो शादियों के लिए ठीक रहता है, क्योंकि शादी तो एक बार होती है ना, बर्थडे तो बार बार आती है। शादी वैसे दो तीन बार भी हो रही लोगों की अब। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, चलते हैं चलते हैं। गाइस इतना ट्रैफिक कि रात हो गई है भाई, और अभी तक हम इस रोड से ही नहीं निकल पाए जहाँ पर हमें जाना है, 8 बजने वाले हैं। वैसे अगर ये लोकेशन अच्छी भी हो तो मसला ये हो जाएगा। मसला यही है कि यहाँ पर तो ये पूरा टूटा फूटा है, पूरा रोड बन रहा है यहाँ पर, आधे लोग तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। सही बात है, बट अब उसने बोला है देख लो तो देख लेते भाई एक बार, बट मुझे लगता है कैंसिल करना पड़ेगा इस वाले वेन्यू को। तो अब मैं जो देख रही हूँ ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा, कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, तो हम उस बंदे को कॉल करते हैं कि हमें ये लोकेशन जैसी भी है पर अब नहीं कर सकते ना हम, और लोकेशन है भी काफी दूर। मैंने एक और कॉल की अभी, एक हमारे दोस्त का ही है वेन्यू, तो उसने बोला कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, चले वहाँ जल्दी, तो खुशी हो रही है अभी। और कॉल पे उसने मुझे पता क्या बताया कि टोकन हुआ वो उस दिन, लेकिन पूरा बुक नहीं हुआ। ये ऐसा दिन है क्या जो कोई कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा? हम कहीं और जा रहे हैं जो कि हमारे दोस्त का वेन्यू है। अरे भाई रश 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 भाई, सब जगह रश है भाई, सब जगह सारे रोड पैक्ड हैं, पैक्ड। जो चलो चलो चलो। सो गाइस पहुंच गए यहाँ पर भी, जो जो फ्रेंड है ना वो पीछे ही है, बट मैं अभी लोगों को नहीं बता रहा कि हम किधर करने वाले हैं, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर अवेलेबल है, देखते हैं वेन्यू और उसके बाद डिसाइड करते हैं। जब इवेंट हो जाएगा जगह भी नहीं दिखाइएगा, लोगों को पता चल जाता है। अच्छा जगह भी नहीं दिखाऊं? इधर किधर 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 इधर। अच्छा ओह नाइस यार, मुझे तो इतनी भूख लग रही है मैं क्या बताऊं यार। मेरा बर्गर किधर है भाई? मुझे भी बड़ी भूख लगी है, खुद ने तो बर्गर मंगा लिया। गाइस बर्गर भी आ चुका है, दोपहर से हमने कुछ नहीं खाया हुआ, तो पहले बर्गर खाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। और क्या है और क्या है और क्या है? ये मैं नीचे से ही लिया है अभी, ये इसमें फ्राइज। चलो बाय बाय। फाइनली थक के ना हालत बुरी हो गई, फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंशन खत्म हो गई। और क्या क्या ले लिया है भाई वापसी में? बादाम। कौन से बादाम है? जो बचपन में खाते थे। और ये क्या? ये कटे बादाम भी है। ओए ओए ओए, इसमें देख के कीड़े भी होते हैं इसके अंदर। हाँ ये तो पता है, देख लेना। ये इसमें कीड़ा नहीं है। इतने तोड़ के खाया ना मैंने, ये पेड़ से पत्थर मारते थे। क्या हो गया इसको? गाड़ी को क्या हो रही है? बाजी इतनी ब्लिंक क्यों कर रही है? वो भाई ये क्या हो गया गाड़ी को? उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसके बाद से हो रहा है। ओ भाई ये क्या हो गया? जो बाहर निकलो भाई, क्या कर रही है गाड़ी? अरे गाड़ी क्या कर रही है? अबे गाड़ी क्या कर रही है ये? ओ भाई साहब आई थिंक तो उसकी ना बैटरी गाइस खत्म हो चुकी है मुझे लग रहा है। मैकेनिक को दी थी, पता नहीं उसने किस तरह गाड़ी ठीक की है यार, किस तरह गाड़ी ठीक की है समझ से बाहर है। अबे भाई मेरा तो ये भी अटक गया है। ओ भाई तू तो नीचे उतर। गाइस गाड़ी का ये खोल के चेक कर रहे हैं, तो समझ में ये आ रहा है कि शायद बैटरी जो है ना ये शायद लो हो चुकी है, जिस वजह से लाइट पता नहीं किस तरह ब्लिंक कर रही है। क्या हो गया मेरी गाड़ी को यार? ओ भाई इसको सही नजर लग गई जब से बाय रोड से लेकर आया ना गाइस, में इसको इतनी नजर लगा दी मेरी गाड़ी को सबने। आज का पूरा दिन खुआरी वाला है भाई। बासिल देख लो भाई, पापा ने वेन्यू देख लिया ना तो अब गाड़ी खराब हो गई है, अब गाड़ी भी ठीक करवा रहे हैं बासिल। हाँ अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आगे की लाइट भी ऑफ नहीं हो रही है। ये क्या बोल रहा है? पार्किंग ब्रेक फॉल्ट, हैव अ व्हीकल रिपेयर्ड। ये क्या बोल रहा है? ये सब बता तो रहा है। रीस्टार्ट इंजन, प्रेस द ब्रेक एंड प्लस प्रेस स्टार्ट, की डोंट डिटेक्ट इट। भाई हो तो रही है। अब क्या बोल रहा है? ब्रेकिंग सिस्टम फॉल्ट, स्टॉप द व्हीकल।
अबे भाई नहीं बैटरी ठीक है यार। अरे हाय भाई सिस्टम फॉल्ट आ गया कोई मेरे ख्याल से। यार क्या हो गया है? तो भाई यहाँ पर जो है ना टॉचिंग वायर लग रहा है जिससे हमारी बैटरी को जो है ना पावर मिल सकती है और फिर हम कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की कि होती है या नहीं होती, क्योंकि अंदर सिस्टम का प्रॉब्लम दे रहा है बट मेन प्रॉब्लम हमें बैटरी की लग रही है। आपकी गाड़ी को नजर लगी, पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ और ये पहाड़ों में बहुत उछल रही थी ना। हाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, रात के क्या टाइम बज रहा है, मेरी गाड़ी को खोलना था, दबाना बटन। ओए 9 बजने वाले। सो भाई मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा और बराबर में गाड़ी खड़ी थी उसने बड़ी हेल्प की, थैंक यू सो मच भाई जो भी था। मैंने सेल्फ मारना, जैसी भी थोड़ी सी भी हेल्प बढ़ जाएगी ना बैटरी की, आई थिंक सो। इधर देखो बैटरी का भी ऑप्शन दे रहा है ये रेड वाला, क्या पता भाई बैटरी का कोई फॉल्ट हो गया। ओ नाइस नाइस, अरे भाई बैटरी का ही मसला था यार, बैटरी का ही मसला था। अरे भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई स्टार्ट हो गई। आए गाड़ी में पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं भाई, गाड़ी में फॉल्ट आ गया गाइस। गाड़ी में एक तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ठीक है, सर्विस का भी आ गया है फौरन से, ड्रिफ्ट श्रिफ्ट का भी ऑप्शन आ गया है कि मैंने ड्रिफ्ट श्रिफ्ट नहीं मारा फिर भी आ रहा है ठीक है। दूसरा है कि टाइम भी खराब हो चुका है। तीसरा सबसे मेजर, एसी हमारा फुल है और मैंने किया हुआ है फ्रंट पे, लेकिन आपको पता है हवा कहाँ से आ रही है, टांगों से। ये क्या हो गया यार, गाड़ी का पूरा ही निजाम खराब हो गया, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी को अगर आप थोड़ा सा भी छेड़ दो ना तो वो पूरी खराब हो जाती है। पसीने आ रहे हैं मेरे को पसीने, ये मैं क्या मैं नीचे मुंह लगाऊं हवा के लिए? टांगों पे आ रही है हवा फुल तेज, थोड़ी अंदर की तरफ आ रही है, बाहर यहाँ तक नहीं आ रही। यार ये क्या हो गया है, हवा कैसे आई है अभी ऊपर। पहुंच गए गाइस घर, अब फटाफट से बंद करके चेक करते हैं, अगेन स्टार्ट करके देखते हैं। ओए नहीं शुक्र है उस टाइम बंद नहीं की थी। आपको बोला बंद नहीं कर। ओए भाई ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। ओ भाई ये कौन से उस्ताद के बाद है दा? भाई क्या हो गया गाड़ी को? चलो भाई जो उतरो, लेकिन अब ये बंद कैसे करूंगा इसको, पार्किंग ब्रेक फॉल्ट, सारे फॉल्ट दे रहा भाई ये कोई। अच्छा रिपेयर, भाई रिपेयर का भी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, सर्विस का भी ऑप्शन दे रहा है, सारे ऑप्शन दे रहा है भाई। भाई ओ भाई इसको बंद करके जाऊंगा ऊपर, यार बंद हो जा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है इसको, क्या हो गया? नहीं यार भाई कोई मसला आ गया गाइस, मुझे लगता है गाड़ी ऐसी छोड़नी पड़ेगी। ओ बंद हो गई, ओ बंद हो गई, ओ बंद हो गई, अंदर का सिस्टम कौन बंद करेगा, ये बंद नहीं हो पा रहा। किधर गई? पहले बता देगी ऊपर गाइस, सब जो है ना ये भी बता देगी भैया किधर आ। अस्सलामुअलैकुम, कौन आया है? पप्पू आई हुई है, कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनली भाई वेन्यू मिल गया। काफी मुश्किल से मिला है, सब बुक थे क्योंकि हम 10-15 दिन पहले जा रहे हैं, सब बुक थे, जिसके पास जाए बोले बुक बुक बुक, आगे ले लो पीछे ले लो। दिन का वो रात को हुआ, रात का नहीं है, थीम वाले भी डिसाइड सारा, हाँ जो प्लान वगैरह होते हैं। दूसरा अब खाना आपके ऊपर है, खाना मैं करूँगा, है ना, हो जाएगा, अब सब डन है भाई। खाना लगा 2 दिन भी पहले बोलोगे ना, मेरे को 2 दिन पहले भी हुआ नहीं ना, क्योंकि 2 दिन पहले कैसे हो जाएगा, उनको बताना पड़ेगा हॉल वालों को। बाकी एक सरप्राइज, एक गुड न्यूज, सॉरी बैड न्यूज, गाड़ी मसला कर रही है बहुत, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, गाड़ी में कोई फॉल्ट वॉल्ट पता नहीं क्या आ गया है। आप भी नहीं बोला था जिसके पास शोरूम पे भेजा था, उसने पता नहीं क्या ठुक ठुक किया है, अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब बैटरी का कोई टर्मिनल हिल गया है, क्या हिल गया है। अब जब उसको स्टार्ट कर ली वहाँ पर, जब मैं गया था ना अभी, तो वहाँ से तो स्टार्ट करवा के ले आया, लेकिन अब दोबारा से वो फॉल्ट कर। देखो आगे की सब सारी चीज़ें खोली है ना, मैंने इसलिए बोला था दरवाजा उसको सही कराओ, बाकी तो मुझे खोला कुछ भी नहीं उन्होंने, फिर उन्होंने सिर्फ फ्रंट फ्रंट ठीक है निकाला वगैरह कुछ भी नहीं खोला नहीं, लेकिन जो ठोकर ठाकी होती है ना सही करने में चीजें, वो जब की होगी ना तो दूसरी चीजें हिल गई होंगी, क्योंकि हथौड़े मारे थे। मैं तो जाएंगे यहाँ से आया हूँ, अभी तो मैं हॉल से आया हूँ। तो भाई ये जो ये जिससे हमने काम कराया था ना, ये पापा और भैया का था मैकेनिक, पापा और भैया का, जब ये पापा को बता दिया भाई। बट ये तो भाई बड़े प्रॉब्लम है यार, और मेरी गाड़ी का बाकी वाला प्रॉब्लम है कि शोरूम के अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता इसको। इसमें फिल्टर शोरूम से लगता है, ऑयल शोरूम वाले बोलते हमसे लगाओ, तो थोड़ा बहुत चेंज करवाना कुछ खुलवाना है पार्ट्स वगैरह वो भी शोरूम बोलते हमसे लगवाओ, लाइक कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसका ना, तो काफी ज्यादा इशू हो रही है गाड़ी के साथ। अब तो मेरे को तना तो मेरे काम ही रुक जाएंगे सारे। गाइस ये बैठा मैकेनिक का अब्बू, किधर गया ये? ओ भाई साहब, क्या हुआ? तुम्हारे मैकेनिक ने गाड़ी खराब कर दी मेरी। पागल हो गए क्या? गाड़ी खराब कर दी? पागल, पहले से ही तुम्हारी गाड़ी खराब है। क्या भाग रहे हो? भाग कहाँ रहे हो? अभी सो के उठे हो? गाड़ी के सो गया था। भैया कब से सो रहे हो? शाम से सो रहे हैं। हाँ। अभी इसको बता ना गाड़ी खराब हो गई, भाग गया। हाँ, भाग गया भैया। भाई जिनकी बर्थडे है वो किधर गए भाई? अरे भाई बर्थडे बॉय तो सो रहे हैं भाई, इनको भी तो बताना है कि इनका वेन्यू डिसाइड हो गया है। मॉम और क्या, फाइनली क्या हो गया? डन हो गई। डन, चलो खैरियत से हो गई सब। हाँ टेंशन खत्म सारी। अब तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई? मेरी टेंशन खत्म, थी ज्यादा ज्यादा खुआर होने की टेंशन खत्म। नहीं थी आपको? क्यों नहीं थी भाई? मुझे गाई थी, जाना था। वाह मॉम, आप सही मजे करते हो, कोई टेंशन लेती नहीं हो। कपड़े पहनने तैयार होना। वाह वाह वाह, नहीं टेंशन नहीं है, वो मैं देख लूंगी। चलो
अरे ये कौन उठ गया? अरे कोई उठा है भाई? पापा को 1 2 3 आओ चलो, अच्छा बाहर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से क्या कर रहा है? क्या 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 तेरे मेरे बाल देखता है ये सबसे पहले। अबे भाई रोते रोते भाई पकड़ लिया इसको भाई। चुप। अरे वाह, अरे वाह, बासी ले मैजिक है जिसके पानी आता रोता रहता है। जैसी गोद में ले लो ठीक हो जाएगा। पप्पो चढ़ा रही है फरिया को पकड़ के। ओ भाई गाइस कब से मैं खा रहा हूँ ये देखो वॉर्म। ओए किसने शुक्र है नहीं खाया भाई। मैंने जैसे मैं जैसे उठा रहा, मैंने बोला मैं ये क्या फील हो रहा है मेरे हाथ में उंगली पे, सॉरी। वो भाई शुक्र है किसने खाया नहीं है। काजू जब मैंने खोला था उसके अंदर से इस टाइप का कुछ निकला था। इस टाइप का ये भी है देखो। आए, वो भी है। तो भाई खाना भी लग चुका है, काफी भूख लगी है भाई, तो खाते हैं खाना। आजा 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 आजा, ओ आजा 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 आजा। नीचे कहाँ से आ गए भाई? अरे वाह भाई खाना खा लिया पापा ने, आ जाओ आ जाओ। अरे ये क्या खा रहे हो भाई? भाई तो रैपर है, रैपर खा रहे। ओ भाई अरे 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 अरे। तो यार इस व्लॉग को जब सेंड करते हो मिला आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो यार। और बताइए छोटा व्लॉग है बड़ा व्लॉग है बैठ करूंगा तो पता लगेगा। तो यार एक चीज हुई डन हुई तो एक चीज पे फिर सेट हो गया हूँ ना। मैं अभी खुशी से एंडिंग कर रहा होता बट एंड पे जो सीन होना गाड़ी के साथ तो फिर उससे मेरा सारे काम खराब हो गए। अभी मुझे ऑफिस जाना था, मेन काम था मेरा, बट अब मैं शायद नहीं जा सकता ऑफिस। और बाकी मेरी कल सबात की फ्लाइट है और वहाँ पर मुझे काम है तो मैं सोलो जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा शायद आपको बता दूँ, शायद वहाँ पर एक व्लॉग बना लूँ, लेकिन मैं जा सिर्फ काम से रहूँ, बिजनेस पर्पज से बना लेंगे। अगर पहाड़ों पे गए ना बर्फबारी अगर हो गई तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर और व्लॉग बना लूंगा, बड़ा मजा आएगा वो व्लॉग देखने। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, बस सब अच्छे से हो जो भी हो रहा है। बस दुआ करा करो भाई के लिए, भाई दुआ कर लो यार, दुआ कर लो।